गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। जो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप ये समझ लो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ओवर डिजिटल इंटर कनेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्स लोकेटेड ऑन प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड्स। अब यूँ समझो कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है, कंप्यूटर्स का ग्रुप्स होता है जो एक कॉमन कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डिजिटली इंटरकनेक्शन होता है। डिजिटली का मतलब होता है कि इसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 0-1 के फॉर्मेट में होगा। ओवर द एंड पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि हम डिवाइसेस को, जैसे पेन ड्राइव के डेटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करना, या किसी मेल से डेटा को लेना, ये सब शेयरिंग रिसोर्सेज आते हैं। प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क नोड्स। अब नोड्स क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को नोड कहते हैं, और मेन कंप्यूटर को नेटवर्क नोड कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप। अब हम देखेंगे कि अब तक हम कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी नेटवर्किंग के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, या लोकली करते हैं, या कंट्रीज़ में करते हैं, या स्टेट्स में करते हैं, या आउट ऑफ कंट्रीज़ करते हैं, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ एक लोकेटर्स होते हैं। जैसे देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर साइज, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के तीन टाइप्स होते हैं। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन कहते हैं। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन कहते हैं। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको वैन कहते हैं। अब आते हैं एक एक हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। लैन में हमने चार डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसमें आप देखेंगे पहला, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर इन अ स्मॉल प्लेस सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट एटसेट्रा। मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क का एक कंप्यूटर का वह ग्रुप होता है जो लोकली काम करता है, और छोटे स्पेस पे। जैसे आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं, हॉस्पिटल का ले सकते हैं, अपार्टमेंट्स का ले सकते हैं, इसके अलावा शॉपिंग मॉल का ले सकते हैं, ठीक। दूसरा है लैन इज ए सिक्योर, लैन एकदम सिक्योर होता है। मतलब क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ नो आउटसाइड कनेक्शन विथ द लोकल एरिया नेटवर्क। यानी यह सिक्योर इसलिए है क्योंकि एक बिल्डिंग नेटवर्क होता है, तो ये बिल्डिंग के अंदर ही इसकी नेटवर्किंग होती है, इसके बाहर कहीं नहीं जाता, इसलिए सिक्योर है। थर्ड पोजीशन है लैन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज आर कंसिडरेबली फास्टर। लैन छोटा होने के नाते यह बहुत तेज कार्य करता है। देयर स्पीड कैन बी रेंज एनी वेयर फ्रॉम 10 to 100 Mbps। इसकी स्पीड जो है कहीं भी 10 to 100 Mbps की, यानी मेगाबाइट पर सेकंड की स्पीड होती है। चौथा है लैंस दैट्स अलाउ लोकल एरिया नेटवर्क टू वर्क ऑन अ वायरलेस कनेक्शन। यानी जितने एरिया में लोकल एरिया नेटवर्क फैलाया गया है, उस एरिया में हम वायरलेस भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया को, जिसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन होता है। इसमें भी चार डिस्क्रिप्शन है। पहला, मैन नेटवर्क्स कवर लार्जर एरिया कनेक्शन लैन टू लार्जर नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। यानी मैन जो होता है वो लैन से बड़ा होता है, यानी लैन से बड़ा नेटवर्क को हम मैन कह सकते हैं। दूसरा पोजीशन में, इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स वेरियस लोकल एरियाज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू टेलीफोन लाइन। यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में बहुत सारे लोकल एरिया को एक साथ जोड़ा जाता है टेलीफोन लाइन के द्वारा। तीसरा है, द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। यह लैन मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया है कि यह लैन से बड़ा होता है जबकि वैन से छोटा होता है। चौथा पोजिशन है, मैन कवर्स द लार्जर एरिया ऑफ सिटी और टाउन। यानी एक शहर को यह जोड़ सकता है, या एक ग्रामीण इलाकों को आप इजीली ये जोड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क को पढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क्स प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा।
अब समझ लो ये वैन का मतलब यूँ समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के नेटवर्किंग की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की नेटवर्किंग जो जोड़ सकता है उसको वैन कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी है प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक, सेकंड पोजीशन है, सेकंड पॉइंट है द साइज ऑफ वैन इज लार्जर देन लैन एंड वैन। ये लैन और वैन से तो बड़ा ही होता है, आप ऐसे समझो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क होता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जिसको कहते हैं उसको वैन कहते हैं। थर्ड पोजीशन द वैन कैन कवर कंट्री कंटिनेंट और इवन अ होल वर्ल्ड, यानी ये देश को जोड़ सकता है, किसी एक देश को दूसरे देश से जोड़ सकता है या पूरे विश्व को ये जोड़ सकता है। चौथे पोजीशन पे देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन इज द एग्जांपल ऑफ वैन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप मॉडर्न टाइम में इंटरनेट चला रहे हो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वैन का। अदर एग्जांपल्स ऑफ वैन आर मोबाइल। अगर हम दूसरा एग्जांपल मोबाइल में बात करें तो मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जिसको आप लोग 2G 3G 4G कह सकते हो। और आने वाले समय में अभी आप लॉकडाउन अगर नहीं होता तो शायद 5G अभी आपका 15 अप्रैल को लॉन्च हो गया होता, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन होने की वजह से 5G को लॉन्च करने में मे बी सितंबर अब जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं कुछ डायग्राम्स इसके भेजूंगा जो आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, वो डायग्राम आप लोग देख लेंगे और उसको बना भी लेंगे, आप उसको अच्छे से रीड कर लेंगे और नोट्स भी कॉपी में बना लेंगे और डायग्राम के साथ। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, गुड डे, थैंक यू।